फ्रेंड्स, आज हम कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ घरेलू उपायों की चर्चा करने के क्रम में एक ऐसी चीज की बात करने जा रहे जो सर्दियों में हमारे घरों में खूब प्रयोग की जाती है। बिना उसके सर्दियों की चाय अधूरी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अदरक की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है, ऐसे में वैसे सभी चीज जिनसे हमारी सांस संबंधी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ सके उसका प्रयोग जरूर रोज दिन करना चाहिए। अदरक में ऐसे बहुत सारे गुण हैं, जैसे ये एंटी इंफ्लामेटरी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं, एंटी फंगल है, शरीर को गर्म रखता है। अब गर्मियां शुरू हो चुकी है, फिर भी आप इसका प्रयोग रोजाना करते रहे क्योंकि यह सांस संबंधी सभी बीमारियों में बहुत कारगर है। अन्य रोगों की चर्चा करें तो ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी राहत देता है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने से रोकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज में हमारे ऑर्गन्स पर असर पड़ते हैं, जिनमें किडनी और आंखों की खराबी की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में अदरक हमें आंख संबंधित रोग जैसे मोतियाबिंद से भी बचाता है। ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी रेगुलेट करके हार्ट डिजीज से हमें बचाता है, बीपी कंट्रोल में रखता है, आर्टरीज में क्लोटिंग नहीं होने देता है। पेट संबंधी सभी रोगों में ये बहुत ही गुणकारी है। ये एक पाचक की तरह होता है, खाने को पचाने में मदद करता है, इसलिए हमें इसका प्रयोग खाने में जरूर करना चाहिए। इसका प्रयोग जोड़ के दर्द में भी कारगर है। इसके अलावा माइग्रेन, मासिक धर्म के समय भी राहत देता है। श्वास संबंधी सभी रोग जैसे दमा, सर्दी, जुकाम, खांसी सभी में आराम पहुंचाता है। ऐसे समय में अदरक की चाय काफी राहत देता है। इसमें आप तुलसी, काली मिर्च, शहद डालकर चाय बना सकते हैं। तो आपने देखा कि ये एक छोटी सी चीज कितनी जरूरी है हमें स्वस्थ बनाने के लिए। तो देर मत कीजिए, आज से ही इसका प्रयोग रोजाना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।